Dear class, good morning. Assalamu alaikum. Students, today we are going to learn chapter number 1, A Bill for the Cat. Students, आज हम एक कहानी पढ़ने वाले हैं. ये कहानी आपने बहुत पहले सुनी होगी कि एक बिल्ली जो है चूहों को पकड़ पकड़ करके जो है खा रही थी और सारे चूहों ने मीटिंग की कि इससे बचने का क्या तरीका हो सकता है. तो किसी चूहे ने कहा कि जो है एक काम करते हैं, बिल्ली की गर्दन में जो है एक घंटी बांध देते हैं. तो जब वो घंटी, जब बिल्ली चल करके आएगी तो घंटी बजेगी तो हम लोग आगाह हो जाएंगे और भाग जाएंगे. फिर एक चूहे ने कहा कि अच्छा ये बताओ कि ये बिल्ली की गर्दन में घंटी बांधेगा कौन. सब लोगों ने कहा मैं नहीं बांधूंगा. सारे लोग जो है अपनी बहाना करके वहाँ से निकल गए कि मैं नहीं बांधूंगा. तो यही एक कहानी है और मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि दोस्तों, ये समझना है कि कहने से ज़्यादा करने में आपको बिलीव करना चाहिए. मशवरा तो हर कोई देता है, लेकिन जो बात और जो काम कोई कर सके वो ज़्यादा बेटर होता है. तो आइए देखते हैं ये स्टोरी क्या कहती है. एक ईसोप फेबल है. ये ईसोप एक आदमी का नाम है जो 2500 साल पहले जो है रहते थे और वो जो है कहानियाँ सुनाते थे. उनके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है डिटेल में कि जो है वो ग्रीस नाम की एक कंट्री है, वहाँ पे रहते थे. बहरहाल, और फेबल कहते हैं स्टूडेंट्स ऐसी स्टोरी को जिसमें जानवर जो है इंसानों की तरह बात करते हों. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि फेबल, कौन सी स्टोरी को फेबल कहते हैं. तो उसमें बोलिएगा आप कि फेबल ऐसी स्टोरी को कहते हैं जिसमें जो एनिमल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं या जो बर्ड्स होती हैं, वो इंसानों की तरह बात करती हैं. ठीक है, रियल में बात नहीं करती हैं, बल्कि वो स्टोरी लिखने वाला जो है वो इस तरह के डायलॉग लिख देता है कि वो आपस में बात कर रही होती हैं. आइए स्टोरी को देखते हैं. हियर यू विल रीड अनदर ऑफ ईसोप्स फेबल. It is about a cat. This cat was giving the mice a big problem. It was catching and eating many of the mice daily. कहते यहाँ आप जो है ईसोप की एक और कहानी पढ़ने वाले हैं और ये कहानी जो है एक बिल्ली के बारे में है और वो बिल्ली जो है चूहों को ज़्यादा परेशान करती थी और एक एक करके चूहों को जो है रोज़ाना खा रही थी. उसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखते हैं. वेरी सैडली द पुअर माइस वुड से व्हाट कैन वी डू, व्हाट कैन वी डू. दे वर ऑल वेरी सैड एंड अनहैप्पी. कहते हैं कि जो है सारे के सारे चूहे कहने लगे कि अब हम क्या करें क्या करें. और सारे चूहे जो थे वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थे और बहुत ही नाखुश थे. वन डे वन ऑफ द ओल्डर माइस कॉल्ड अ मीटिंग. ही सेड वी मस्ट फाइंड सम वे टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम. How can we keep that hungry cat from catching any more of us? एक दिन क्या हुआ कि सारे चूहों में जो थोड़ा सा होशियार चूहा था, जो बड़ा चूहा था, उसने जो है एक मीटिंग बुलाई और वो कहने लगा कि हमें ज़रूर इस बिल्ली से बचने के लिए, जो ये प्रॉब्लम खड़ी कर रही है बिल्ली, इससे बचने के लिए ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, वरना ये जो भूखी बिल्ली है ये हम में से हर एक को जो है खा जाएगी. Each one in the meeting talked and talked and talked. No one could think of any good way to solve the problem. At last, a little mouse stood up. कहते हैं स्टूडेंट्स कि सारे चूहे जो है पूरा पूरा दिन सिर्फ बात करते रहे. किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा तरीका जो है निकाला जाए कि इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाए. आखिरकार क्या हुआ कि एक जो है छोटा सा चूहा था, वो खड़ा हुआ, वो बोला कि आई नो वट टू डू, ही सेड. वो छोटा वाला चूहा बोलता है कि मुझे समझ में आ रहा है कि करना क्या है, मुझे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया. टिल अ स्क्विक शाउटेड ऑल द अदर. सारे चूहे जो है, बाकी के चूहे जो है चिल्लाने लगे कि जल्दी बताओ कि क्या तरीका तुमने ढूंढा है. देन स्टॉप शाउटिंग एंड लिसन सेड द लिटिल माउस. छोटा चूहा कह रहा है कि अरे भाई खामोश रहोगे तो ना बताऊंगा. द कैट मेक्स नो नॉइज व्हेन इट कम्स, इट इज सो क्वाइट. इट कम्स क्विकली क्वाइटली एंड कैट्स वन ऑफ अस.
वो छोटा चूहा बोल रहा है कि जब बिल्ली आती है तो कोई शोर या कोई आवाज़ नहीं होती है, पांव दबा करके आती है और बड़े चुपके से आती है और हम में से हर एक को पकड़ ले जाती है। वी कांट हियर एनी साउंड ऑफ इट्स पॉज, कहते हैं हमें उसके पैर की आवाज़ जो है सुनाई नहीं देती, इस वजह से हम होशियार नहीं हो पाते हैं और हम में से हर एक को पकड़ ले जाती है। आई थिंक वी शुड पुट अ बेल अराउंड द कैट्स नेक, दिस वी कैन हियर व्हेन इट कम्स, वी कैन देन इजली रन फॉर कवर। अब वो छोटा वाला चूहा मशवरा दे रहा है कि एक काम करते हैं, बिल्ली की गर्दन में एक घंटी बांध देते हैं, तो जब घंटी बांध देंगे तो जब बिल्ली आएगी तो उसकी आवाज़ हमें सुनाई देगी और हम आसानी से जो है छुपने के लिए, फॉर कवर छुपने के लिए भाग जाएंगे। हाउ वाइज शाउटेड वन, एक चूहा चिल्लाने लगा कि वाह क्या समझदारी की बात कर रहा है। वी आर सेव्ड शाउटेड अनदर, दूसरा चूहा चिल्लाने लगा कि अब हम बच जाएंगे। वी विल पुट अ बिल ऑन द कैट, शाउटेड ऑल द अदर्स, सारे चूहे मिलकर के बोलने लगे कि अब यही आइडिया ठीक है, हम बिल्ली की गर्दन में जो है घंटी बांध देंगे। ऑल द माइस बिगन टू शाउट विद जॉय, सारे चूहे जो है खुशी से चिल्लाने लगे, खुशी से कूदने लगे। अमंग देम देयर वॉज अ क्वाइट ओल्ड माउस, ही स्टूड अप एंड लुकड एट द लिटिल माउस, वहाँ पे उस मीटिंग में एक बूढ़ा चूहा था, वो कुछ नहीं चिल्ला रहा था, वो चुपचाप जो है सारा माजरा देख रहा था। आखिर में क्या हुआ, वो खड़ा हुआ और छोटे चूहे की तरफ देखने लगा। दैट इज़ अ गुड आइडिया ही सेड, बूढ़ा चूहा जो खड़ा हुआ कह रहा है कि बहुत अच्छा आइडिया बेटा तुम बताए हो। अ बेल ऑन द कैट, की जो है बिल्ली की गर्दन में घंटी बांध दो। येस अ बेल ऑन द कैट, बट जस्ट टेल मी Who will bell the cat? कहते हो कि हाँ बिल्ली की गर्दन में घंटी बांधने के लिए बड़ा अच्छा आइडिया दिया है, लेकिन ये तो बताओ कि बिल्ली की गर्दन में घंटी कौन बांधेगा। At once the room became all quiet. सारा रूम अचानक जो है एकदम खामोश हो गया, किसी की कोई आवाज़ ही नहीं निकल रही है कि जो भी जाएगा बिल्ली उसको खा जाएगी। Yes, tell us who will bell the cat. फिर बूढ़ा चूहा कह रहा है कि हाँ हाँ बताओ ना कौन बांधेगा बिल्ली की गर्दन में घंटी। Everyone looked at the little mouse. सारे के सारे चूहे जिसने मशवरा दिया था उसी की तरफ देखने लगे। No, I said the little mouse and ran out of the room. फिर वो कह रहा नहीं नहीं मैं नहीं मैं नहीं कह के जो है छोटा सा चूहा रूम से बाहर भाग गया। फिर उसके बाद दूसरा चूहा कह रहा है नो आई एंड रन आउट ऑफ द रूम, वो भी कह रहा है मैं नहीं बांधूंगा, वो ये भी कह के दूसरा वाला चूहा भी भाग गया। नो आई सेड द थर्ड एंड रन आउट ऑफ द रूम, तीसरा चूहा भी कह के भाग गया कि मैं नहीं बांधूंगा। वन बाय वन ऑल द माइस रन आउट ऑफ द रूम, एक एक करके सारे चूहे रूम से भाग गए कि मैं नहीं बांधूंगा। नो वन वॉज रेडी टू बेल द कैट, कोई भी बिल्ली की गर्दन में घंटी बांधने के लिए तैयार नहीं था। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज इट इज easier said than done. बच्चों इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, ये तालीम मिलती है कि कहने से ज़्यादा करने में यकीन रखना चाहिए, क्योंकि कहना बहुत आसान है और करना बहुत मुश्किल है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, कुछ होमवर्क्स हैं इसे कल आपको टिक करके दे दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, सी यू टुमारो।